वे कमले आ ऑल राइट गाइज, वीडियो एडिट करने के लिए ओपन कर लेना यहाँ पे अलाइट मोशन ऐप को। अगर आपके पास अलाइट मोशन ऐप नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर देना, तो वहाँ पे लेटेस्ट वर्जन मैंने डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, सबसे पहले XML इम्पोर्ट करना मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको चले आना है यहाँ पे किसी भी, तो ये वाला लिंक रहने वाला है, तो इस पर आपको टैप करना है एंड इस तरीके से ड्राइव के अंदर ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ से मैं आपको शेयर करना बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी पहले लोग यहाँ पे XML इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए 3 डॉट पे चलना है और यहाँ से सेंड कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिखेगा नीचे, सेंड कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप लोग अलाइट मोशन सेलेक्ट कर लेना तो XML आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से चलते हैं अपन यहाँ पर अलाइट मोशन के अंदर प्रोजेक्ट में आना और ये वाला XML यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो XML मैंने पूरा बना रखा है, उसमें आपको बस थोड़ा बहुत एडिट करना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले अपन XML को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे XML प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले सॉन्ग ऐड करना होगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आ जाना, प्लस पर टैप करके मीडिया पर चलना और यहाँ से सॉन्ग ऐड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, सारे ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता कि मैं आपको पूरा एडिटिंग इसका सिखा दूं। तो उसके लिए क्या करना, सबसे पहले आप लोग यहाँ से ऑडियो से सॉन्ग ऐड कर लेना। उसके बाद में क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद ग्रुप मिलेगा, तो ग्रुप में आपको फोटोज़ वगैरह एडिट करने होंगे, तो उसके लिए आपको ग्रुप पर टैप करना है। ग्रुप पर टैप करने के बाद एडिट ग्रुप के अंदर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो मैं आपको इमोजी फॉन्ट और जितना भी मटेरियल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना। इमोजी फॉन्ट आपको iOS 13 मिलेगा, ठीक है, या फिर iOS 16 लेटेस्ट वर्जन दे दूंगा, तो उसको इंपोर्ट कर लेना, काफ़ी वीडियो में बता रखा है। उसके बाद में क्या करना, ग्रुप 1 पर टैप करना, एडिट ग्रुप में जाना और यहाँ पे ग्रुप एंड मास्क 1 में जाके यहाँ पे जो फोटो रहेगा ना वो डिलीट हो चुका है, कलर एंड फील्ड में जाके यहाँ पे आप लोग फोटो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी दूसरा फोटो ऐड कर लेता हूँ। फ्रेम के अंदर सेट करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर चलना है और यहाँ पर आप लोग सेट कर सकते हो। बैक चलना है, यहाँ पे बैक आ जाना, उसके बाद फोटो आ जाएगा ग्रुप के अंदर। एनिमेशन लगे हुए हैं इसके अंदर कर्व लिरिक्स वाला, उसके बाद आगे आना है। आगे आने बाद ग्रुप 3 मिलेगा, ठीक है। इसमें आना, इसके अंदर भी आने बाद आप लोग नेक्स्ट फोटो लगाओगे तो वो आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। तो उसके लिए अपन चलते हैं आगे, ग्रुप 4 पर टैप कर देना एंड एडिट ग्रुप में चले जाना। उसके बाद इसके अंदर फोटो लगा रखा है मैंने, लिरिक्स में आना है, डबल ए पर टैप करना और लिरिक्स वाला जो फॉन्ट है ना ये वाला, तो ये मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐड करना मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद में क्या करना, ऊपर जो ये PNG लगा हुआ है ना, सॉरी इमोजी लगा हुआ है, इसको एडिट करने के लिए चलना है यहाँ पे और iOS फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैक चलते हैं। उसके बाद में क्या करोगे, आपको यहाँ पर एक नाम भी दिखेगा नीचे की साइड में, तो ये वाला नाम दिखेगा यूट्यूब आवर्स एडिट्स, तो इस पर जाना है, डबल ए पे जाना हो यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम आईडी का नाम आप लोग टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला फॉन्ट ऐड कर लेना। फॉन्ट ऐड करने के लिए व्यू ऑल फॉन्ट करना है आपको, 3 लाइन पे क्लिक कर लेना, उसके बाद इंपोर्ट फॉन्ट पे चले जाना। उसके बाद में क्या करो कि डाउनलोड वाले फोल्डर में आएगा, ठीक है। ऐड करने के लिए डाउनलोड फोल्डर में चलना है, उसके बाद यहाँ पर जो भी फॉन्ट रहने वाला आपका, उसका नाम आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट का नेम सर्च कर लेता हूँ, इनवर्स, तो आपको आपका फॉन्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल के लिए फॉन्ट इम्पोर्ट करके बताता हूँ, ये वाला सेलेक्ट कर लेना और फॉन्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च कर सकते हो तो ले सकते हो। उसके बाद बैक चलना। अब क्या करोगे, इसके अंदर एक वीडियो क्लिप और HDRCC इफेक्ट लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको कैसे लगाना मैं बता देता हूँ, ठीक है। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंग हो रहा है तो मैनेज कर लेना। उसके बाद में क्या करना है, ये वाला जो वीडियो है ना, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इस पर आना है एंड यहाँ पे लाइटन पे जाके इसको स्किन कर लेना ब्लेंडिंग मोड में जाके। तो मैंने ऑलरेडी से इसको कर रखा है ताकि ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो लाइटन में जाके स्किन कर देना इस वीडियो को, ऐड कर लेके। ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन पे जाना और मीडिया में जाके आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद HDRCC की एक प्रीसेट मिलेगा जिसके अंदर 2 लेयर होगा, ठीक है, दोनों के अंदर मिलेगा, तो ऐड कर लेना ये वाले दोनों है, ठीक है।
तो ऐड कर लेने बाद आपके वीडियो के अंदर एकदम कलर ग्रेडिंग हो जाएगा और HDR इफेक्ट लग जाएगा। उसके बाद इसको सेव करना होगा। पूरा बनने के बाद यहाँ से बैक कर लेना आप लोग प्रोजेक्ट को। यहाँ से प्रोजेक्ट बैक कर लेने बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिलेंगे, ऊपर एरो पर टैप करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना। अगर वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर लेना, रिप्लाई मिल जाएगा। इंस्टा पे भी DM कर सकते हो, फॉलो कर लेना। बाकी चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।